फिल्मी टॉक के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज की सबसे पहली और बड़ी खबर यह है कि जूनियर एनटीआर हमें वॉर 2 में विलन के कैरेक्टर में देखने को मिलेंगे। जी हाँ, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो कहा जा रहा है कि वॉर 2 में जूनियर एनटीआर का कैरेक्टर निगेटिव सेट्स में होने वाला है। आपको बता दें, वॉर 2 यशराज की स्पाई यूनिवर्स की 5वीं फिल्म होने वाली है, जिसे डायरेक्टर आयान मुखर्जी डायरेक्ट कर रहे हैं। और वहीं इस फिल्म में हमें ऋतिक रोशन के साथ सारवरी बाघ और जूनियर एनटीआर जैसे कलाकार देखने को मिलेंगे। आपको बता दें, स्पाई यूनिवर्स की ये फिल्म 2024 में देखने को मिलेगी। वैसे आप स्पाई यूनिवर्स की कौन सी फिल्म का इंतजार कर रहे हैं, हमें कमेंट में बताएं। Dragon always ready. थलापति विजय की मच अवेटेड फिल्म लियो से एक अपडेट है। आपको बता दें, अपडेट ये है कि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो कहा जा रहा है कि इस फिल्म में हमें संजय दत्त थलापति विजय के पिता के कैरेक्टर में देखने को मिलेंगे। और वहीं संजय दत्त भी एक खतरनाक गैंगस्टर का कैरेक्टर प्ले करने वाले हैं। आपको बता दें, लोकेश कंगाराज के डायरेक्शन में बन रही है फिल्म, जिसमें हमें थलापति विजय के साथ त्रिशा कृष्णन, संजय दत्त और अर्जुन सारजा जैसे कलाकार देखने को मिलेंगे। आपको बता दें, थलापति विजय की ये फिल्म एक पैन इंडिया फिल्म होने वाली है, जो 19 अक्टूबर 2023 को सिनेमा घरों में रिलीज होगी। अल्लू अर्जुन की मच अवेटेड फिल्म पुष्पा 2 से एक अपडेट है। आपको बता दें, अपडेट यह है कि पुष्पा 2 के मेकर्स ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर यह फोटो डालते हुए बताया है कि फहाद फासिल ने अपने कैरेक्टर भंवर सिंह शेखावत की शूटिंग कंप्लीट कर ली है। आपको बता दें, पुष्पा 2 पुष्पा दी राइज का दूसरा पार्ट होने वाली है, जिसे डायरेक्टर सुकुमार डायरेक्ट कर रहे हैं। और वहीं इस फिल्म में हमें अल्लू अर्जुन के साथ रश्मिका मंदाना और फहाद फासिल जैसे कलाकार देखने को मिलेंगे। ऑफिशियल तो नहीं है, पर कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो कहा जा रहा है कि अल्लू अर्जुन की ये फिल्म जनवरी 2024 में रिलीज होगी। अब रोल पुष्पा का, शाहरुख खान और रणवीर सिंह हमें एक साथ एक सीरीज में देखने को मिल सकते हैं। जी हाँ, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो कहा जा रहा है कि आर्यन खान के डायरेक्शन में बन रही सीरीज स्टारडम में हमें शाहरुख खान और रणवीर सिंह का कैमियो देखने को मिल सकता है। आपको बता दें, स्टारडम की कहानी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के ऊपर बेस होने वाली है, जिसमें हमें 6 एपिसोड देखने को मिलेंगे। और वहीं कहा जा रहा है कि आर्यन खान अपने इस सीरीज की शूटिंग मई 2023 से स्टार्ट करने वाले हैं, और ये सीरीज हमें 2024 तक देखने को मिलेगी। वैसे क्या आप रणवीर सिंह और शाहरुख खान को एक साथ देखना पसंद करें या नहीं, हमें कमेंट में बताएं। जूनियर एनटीआर की मच अवेटेड फिल्म एनटीआर 30 से एक अपडेट है। आपको बता दें, अपडेट यह है कि एनटीआर 30 के मेकर्स ने कंफर्म कर दिया है कि एनटीआर 30 का फर्स्ट लुक 19 मई को रिलीज किया जाएगा, और वहीं 20 मई को एनटीआर 30 का पहला ग्लिम्स वीडियो रिलीज किया जाएगा। आपको बता दें, कोटाला शिवा के डायरेक्शन में बन रही है फिल्म, जिसके लीड रोल में हमें जूनियर एनटीआर के साथ जानवी कपूर और सैफ अली खान देखने को मिलेंगे, एक पैन इंडिया फिल्म होने वाली है, जो अप्रैल 2024 में सिनेमा घरों में रिलीज होगी। वैसे आप जूनियर एनटीआर की वॉर 2 और एनटीआर 30 में से कौन सी फिल्म का इंतजार कर रहे हैं, हमें कमेंट में बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।